Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm here with a video how to make bra, padded bra from t-shirt. So this is the lower part of the t-shirt. ये नीचे लिखा हिस्सा है t-shirt की और अब देख रही हूँ मैं यहाँ पे iron इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये जो fabric है थोड़ा और straight हो जाए और मुझे exact measurement मिल जाए. तो first, this is the first thing you have to do, just press it guys. आपको इस बात की ध्यान रखनी है कि हर साइड इक्वल होना चाहिए. यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट कि एवरी साइड इज़ सेम एंड परफेक्ट. तो इसके बाद गाइस आप देख सकते हो मैंने ये डबल फोल्ड कर दिए हैं गाइस. और ये जो मैंने मेज़रमेंट बता रही हूँ ये सिर्फ 34 और 36 के लिए है. 36 भी इसे पहन सकते हैं, एक्चुअली ये एग्जैक्ट है 34 के लिए. बट एज यू कैन सी टी शर्ट फैब्रिक इज़ रियली वेरी स्ट्रेचेबल एंड आई एम ऑल्सो वन आई यूज़ इलास्टिक. तो इसके लिए ये 36 बस्ट भी इसे पहन सकते हैं. और गाइस आप मेज़रमेंट देख लो, मैं ये दिख रही हूँ गाइस. और गाइस अगर आप ये 40 बस्ट के लिए बना रही हो, 42 के लिए है. और जो डिफरेंट साइज बस्ट साइज मेजरमेंट है वो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी. आई विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इन डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट बस्ट साइज. तो आप यहाँ पे 1 इंच के गैप देते हुए जस्ट गिव 1 इंच गैप एंड देन जस्ट जॉइन द लाइन. आप देख सकते हो ये ट्राइंगल सिर्फ आपके आ गए हैं और इसे आप काट लो. देख सकते हो ये आपको मिल गया है. अब ये जो ओपन साइड है ये को आपको ज्वाइन करना है और ये जो स्ट्रैप है उसे आपको छोड़ के इसे ज्वाइन करना है. तो आई हैव स्टिच द साइड एंड ऑल्सो द नेक लाइन आई हैव स्टिच एक्सेप्ट दिस स्ट्रैप होल्स. ये स्ट्रैप होल्स को आपको स्टिच नहीं लगाना है. तो ये हो गया. उसके बाद मैं 1/2 इंच की इलास्टिक यूज़ करूँगी गाइस. और 1/2 इंच इलास्टिक यूज़ करें तो फर्स्ट जस्ट टर्न इनसाइड आउट एंड देन इन द स्ट्रैप होल यू आर गोना इंसर्ट दिस 1/2 इंच इलास्टिक. आप चाहो तो 1/4 इंच इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हो. और मैं ये 1/2 इंच इलास्टिक आपको जो सोल्जर स्ट्रैप होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा फिटनेस देते हैं तो इसलिए मैं 1/2 इंच इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ. नाउ इंसर्ट दिस इन योर स्ट्रैप होल्स एंड जस्ट सो इट. सो आफ्टर आई एम डन सोइंग इट गाइस अब देख सकते हो आई एम गोना गिव ए टॉप स्टिच हियर. सो गाइस अब मैं मिडिल में यहाँ पे एक इलास्टिक लगाऊंगी. मैं ये अंदर से लगा रही हूँ, अब देख सकते हो आई हैव स्टिच दिस फ्रॉम द इनसाइड. और अभी बारी जो है गाइस हम पैड इस्तेमाल करेंगे. तो मार्केट से यू विल गेट डिफरेंट साइजेस ब्रा पैड एंड ये बहुत ही चीप भी होते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोना गेट दैट. तो आप मेरे पास अभी 34 की है
और आप चाहो तो डिफरेंट साइज़ के बराबर आपको मिल जाएंगे। और स्पॉन्ज पैड है तो अब इसे इंसर्ट करना है आपको इस तरह। तो गाइस मैं यह 36 की ब्रा पैड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर की 36 की जो मेरे पास थे वो मिस कर रहे हैं। और आप किसी के लिए बना रही हो, अगर अपने लिए बना रही हो तो वही साइज चूज़ करो। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इलास्टिक लगा दिए हैं और ये काम 80% हो गए हैं। अब जो है बारी बैक पार्ट की, तो बैक पार्ट में मैं थोड़ा स्टाइलिश ब्रालेस डिज़ाइन दूंगी, इसलिए मैं थ्री लेयर ऑफ इलास्टिक यूज़ करूंगी। तीन लेयर की जो इलास्टिक बैक साइड के इलास्टिक होते हैं वो मैं इस्तेमाल करूंगी। तो आपको तीन इलास्टिक एक ही साइज में, यू हैव टू कट थ्री इक्वल साइज इलास्टिक एंड देन अटैच टू दिस ब्रालेट। तो वैसे देख सकते हो मैंने ये फ्रंट के साइज में अटैच किया है, तो अब इसे फोल्ड कर लो और बैक में साइड में घुमा लो इसे, तो आपको मिल जाएंगे ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन स्टाइलिश बैक पार्ट। तो अब जो बारी है गाइस वो है ए स्ट्रैप को, इस पीछे की हिस्से से आपको ज्वाइन करनी है एंड दैट्स इट, योर ब्रा इज़ रेडी।